फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूं एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल सा रेमेडी जो आपके एक्स्ट्रा बेली फैट को रिड्यूस करेगा। बहुत ज्यादा ओबेसिटी हो जाता है, मोटापा होता है, उसे ये कम करता है और फ्रेंड्स इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स है। ये आपके स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ये आपको शाइनिंग स्किन देगा, बहुत ही अच्छा हेयर के लिए भी है और साथ में ये एक इम्यून सिस्टम बूस्टर है फ्रेंड्स। ये आपके एनर्जेटिक लेवल को बढ़ाएगा, साथ में बहुत ही ज्यादा आप लाइट फील करेंगे। चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द रेमेडी। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें जो भी चीजें लगेंगी वो आसानी से अपने ही किचन में अवेलेबल होता है। अगर आपको एक दो चीज ना मिले तो आप आसानी से ग्रोसरी शॉप से खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सा जो इंग्रेडिएंट है इन सबको हम पीसने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या चीज लगेगा, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो सारा मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक ऐसा स्लिमिंग पाउडर है जो आपके वेट को रिड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो इसके लिए हमें लगेगा 2 टेबल स्पून के बराबर टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। तो फ्रेंड्स जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जॉइंट मसल पेन होता है और साथ में डिप्रेशन होता है, उसे ये फाइट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, साथ में एक्नी फ्री स्किन देता है, स्किन में ग्लोइंग देगा आपके और साथ में डिटॉक्स करता है। और इसके साथ मैंने ऐड किया है अराउंड 1 टेबल स्पून के बराबर जीरा यानी क्यूमिन सीड। तो जीरा आपके वेट को बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करता है, साथ में ये जो ब्लॉटिंग इश्यूज होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है उसे भी सॉल्व आउट करता है, साथ में जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है उसे ये क्योर करता है। साथ में मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून के बराबर फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड और इसमें मैंने डाला है दालचीनी जिसे मैंने तोड़ लिया था यानी सिनेमन। ये आपके हेल्थ को रिड्यूस करेगा, जो एक्सेसिव बेली फैट होता है उसे ये रिड्यूस करता है। साथ में मैंने इसमें डाला है पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर और मैं इसमें ऐड करूंगी अराउंड 1 टेबल स्पून के बराबर जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश अदरक है तो आप उसे बारीक कट करके ओवन में अच्छे से ड्राई करके फिर पीस सकते हैं या मार्केट में भी आपको अदरक जो बारीक पिसा हुआ पाउडर मिल जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टी बैग्स। तो फ्रेंड्स जिंजर में होता है इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टी होती है, साथ में ये स्टिमुलेट करता है डाइजेशन को, सप्रेस करता है एपेटाइट को, बार बार भूख लगने का जो रहता है कार्विंग उसे ये कम करता है। तो मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 पाउच। आप कोई भी ग्रीन टी का ले सकते हैं और इसे भी हमें साथ में पीस लेना है फाइन पाउडर में। तो फ्रेंड्स इसमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को तो बूस्ट करता ही है, बालों के लिए साथ में स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके स्किन में भी ग्लो आएगा। जो हमने इसमें फ्लैक्स सीड ऐड किया है यानी अलसी के बीज, ये आपके स्किन को भी बेनिफिट पहुँचाएगा। ये आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, साथ में जिनको एक्नी का प्रॉब्लम होता है ड्राइनेस, रिंकल और ब्राइटन स्किन देगा। ये जो भी स्किन प्रॉब्लम है उसे ये रिड्यूस करता है। तो इस तरह से मैंने सारे चीज़ों को पीस लिया है बिल्कुल फाइन पाउडर में, तो आप देख सकते हैं। और इसे मैं रख लूँगी एक कंटेनर में, तो एयर टाइट कंटेनर में आपको इसे रखना है। इसे किस तरह से यूज़ करना है, किनको यूज़ करना है और किनको नहीं यूज़ करना है, डू एंड डोंट्स का जरूर फॉलो कीजिएगा। ये हमारा तैयार हो चुका है स्लिमिंग पाउडर, आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। जब ये फिनिश हो जाए तब आप दूसरा फ्रेश बना लीजिएगा। इसे एटलीस्ट 10 to 20 डेज आपको कैरी ऑन करना है, तो आप देखेंगे इसका अमेजिंग सा रिजल्ट। तो फ्रेंड्स इसे किस तरह से लेना है, कैसे लेना है, किनको लेना है और किनको नहीं लेना है, डू एंड डोंट्स का फॉलो कीजिएगा, तो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें से हम लेंगे अराउंड 1/2 टीस्पून के बराबर ये स्लिमिंग पाउडर। फ्रेंड्स ये है अराउंड 1/2 टीस्पून के बराबर, इतना ही आपको बस लेना है और आपको इसे डालना है गर्म पानी में। बिल्कुल अच्छा सा गर्म पानी कर लीजिएगा और इसे आपको डालना है। मैंने बिल्कुल हॉट वाटर लिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी। ये अराउंड 200 ml ऑफ वाटर है, 200 ml के बराबर पानी है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे ढक कर रख देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, आप इसे ढक के रख दीजिए। और इसे आपको कंज्यूम करना है वार्म ही, ठंडा नहीं, यानी हल्का सा ल्यूक वार्म हो तभी आपको इसे कंज्यूम करना है। और इसे कब लेना है फ्रेंड्स, इसे आफ्टर मील लेना है यानी लंच के 30 मिनट्स बाद और डिनर के 30 मिनट्स बाद। इस तरह से आपको 2 टाइम लेना है, 10 to 20 डेज आपको इसे कंटिन्यूस लेना है। तो फ्रेंड्स इसे मैं ढक कर रख देती हूँ और ये 5 मिनट बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आफ्टर 5 मिनट्स बाद इसे कंज्यूम करना है, तो मैंने लंच ले लिया है, आफ्टर 30 मिनट्स बाद ही मैं इसको ले रही हूँ।
का फॉलो करना है कि किनको ये लेना है किनको नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स जिनका सर्जरी हो चुका है लाइक किडनी का प्रॉब्लम है या जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, पीरियड्स के प्रॉब्लम है, उन्हें ये नहीं लेना है। गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो चुका है तो उनको ये अवॉइड करना है। और फ्रेंड्स जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेशन है, जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कराते हैं उनको भी ये ड्रिंक नहीं लेना है। और कौन ये ले सकते हैं फ्रेंड्स, बाकी हर कोई ले सकता है लाइक डायबिटिक पेशेंट, पीसीओएस, साथ में जो पीसीओडी पेशेंट होते हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये सुइटेबल फॉर ऑल है, जिनको नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप भी फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स, तो इससे बहुत ही जल्दी आपका वेट रिड्यूस होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह से कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।